नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि Redmi 4 डिवाइस के अंदर MIUI 11 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन है 11.0.2.0 का स्टेबल वर्जन। और दोस्तों, इसके पहले भी आपको कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक टेस्टिंग अपडेट था, लेकिन आज से यहाँ पर फिर से अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि कुछ पब्लिकली अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद काफी सारा आपको इसमें चेंज ऑफ फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि सारे सारे चेंज ऑफ फीचर्स में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए, ताकि आपके समझ में आए कौन कौन से फीचर आपके Redmi 4 डिवाइस के अंदर देखने को मिल चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, Xiaomi का Redmi 4 डिवाइस जो कि यार बहुत ही ओल्ड डिवाइस है, लेकिन फिर भी Xiaomi की तरफ से इस Redmi 4 डिवाइस के अंदर MIUI 11.0.2.0 का स्टेबल अपडेट फाइनली रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद Redmi 4 डिवाइस के अंदर काफी बड़े आपको चेंज ऑफ फीचर देखने को मिल चुके हैं, साथ में दोस्तों बहुत सारे इसमें हिडन फीचर भी देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्रेसिव डिजाइन, जो कि यार देख सकते आपको एक लेटेस्ट रिडिजाइन आइकॉन पैक्स देखने को मिल चुके हैं, जो कि राउंड एजेस में आपको आइकॉन पैक्स देखने को मिल चुके हैं। आपको जो टेक्सटाइल आपको लेटेस्ट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, सभी डिवाइस को MIUI 11 का स्टेबल अपडेट मिलने के बाद सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन देख सकते हैं, जिसका यार कॉम्प्रेसिव डिजाइन है, तो डिजाइन काफी आपको बेटर देखने को मिल चुका है इस बार। एंड दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर आपको क्या क्या चेंज देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद Redmi 4 के ऊपर कुछ अबाउट फोन सेक्शन दे सकते हैं। 11.0.2.0 का वर्जन है, जो कि यार नॉट बेस अपडेट है, मतलब कि एंड्रॉइड 7.0 पर बेस है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ओल्ड डिवाइस है, तो ओल्ड डिवाइस के अंदर आपको कभी भी इसमें एंड्रॉइड ओरी का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लोड काफी पुराना, मतलब की लास्ट ईयर का आपको देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, बात करेंगे कुछ फीचर्स की, तो सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन पैनल्स में। तो नोटिफिकेशन पैनल्स में आपको कुछ ज्यादा फीचर तो देखने को नहीं मिले, ना ही किसमें आपको UI चेंजेस देखने को मिल चुका है। बस आपको एक ही पॉइंट्स ऐड किया गया, जो कि यार देख सकते हैं कास्टिंग, मतलब कि आप अपने Redmi 4 डिवाइस का जो डिस्प्ले है, मतलब कि स्क्रीन है, स्मार्ट टीवी पर कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें जो गैलरी के फोटोज है, वॉलपेपर्स या फिर वीडियोज है, सरसरी वहीं पर वायरलेस कनेक्ट करने के बाद स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से आपको जो सेटिंग उसका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद बात करें यहाँ पर यूएस सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आईफोन का चेंजेस देख सकते हैं, आईफोन का जो यूजर इंटरफेस है, इसमें काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल चुके हैं। और जो यूटिलिटी के ऑप्शन है, यूटिलिटी के ऑप्शन में कुछ नए यूटिलिटी ऐड किए गए हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स है, तो अपने फोन के अंदर जितने सारे एप्लीकेशन है, उन सारे के सारे एप्लीकेशन के UI में भी चेंजेस किया गया है। एंड अगर उसको कस्टमाइज करना है, मतलब उसको यहाँ पर एडिट करना है, तो एडिट भी कर सकते हैं। तो जो भी सारे एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स अगर आपको ऐड करना है, तो ऐड भी कर सकते हैं, या फिर उसको रिमूव करना है, तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे सेटिंग्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों सेटिंग्स के अंदर काफी बड़े आपको चेंजेस देखने को मिल चुके हैं, काफी आपको नए नए फीचर भी इसमें देखने को मिल चुके हैं। तो सेटिंग्स के अंदर दोस्तों, जो यूजर इंटरफेस है, सेटिंग का यूजर इंटरफेस में काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिल चुका है। एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मिल चुका है मोर पे। तो दोस्तों, मोर पर क्लिक करके बाद नीचे की तरफ से देख सकते हैं कास्टिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने फोन का जो Redmi 4 का डिस्प्ले है या फिर स्क्रीन है, अपने स्मार्ट टीवी पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर डेमो चाहिए, तो यहाँ पर डेमो भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको जो वायरलेस है स्मार्ट टीवी पर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में, जो कि है डिस्प्ले, क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोगों ने मुझे एक ही क्वेश्चन किया था कि डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड का फीचर पर मिला या फिर नहीं मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डार्क मोड के जो फीचर्स रहता है, एंड्रॉइड पर अपडेट मिलने के बाद ही मिलते हैं Xiaomi के डिवाइस के अंदर। लेकिन दोस्तों, Redmi 4 काफी आपको ओल्ड डिवाइस है, मतलब कि बहुत ही पुराना डिवाइस है। एंड इस Redmi 4 डिवाइस के अंदर आपको कभी भी एंड्रॉइड पर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यार बहुत ही पुराना डिवाइस है, ओल्ड डिवाइस है, तो Xiaomi की पॉलिसी के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट चेंज ऑफ फीचर्स, जो कि ऐड हो चुका है साउंड एंड वाइब्रेशंस में। तो दोस्तों, साउंड एंड वाइब्रेशंस में आने के बाद सबसे पहले आपको मोस्ट मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएगा यूजर इंटरफेस। तो साउंड एंड वाइब्रेशन के यूजर इंटरफेस है, जो कि होल्ड बटन से कॉलिंग के, उसके बाद नोटिफिकेशंस एंड जो अलार्म के नोटिफिकेशन बटन से, होलिंग के बटन से टोटल यहाँ पर चेंजेस हो चुका है। साथ ही दोस्तों, ऊपर की तरफ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन, उसके बाद इवेंट से, उसके बाद अलार्म के रिंगटोन से, उसमें कुछ नेचुरल साउंड इफेक्ट्स ऐड किए गए हैं। एंड सभी फंक्शंस को अलग अलग यहाँ पर सेट किया, जैसे कि नोटिफिकेशन अलग से, इवेंट्स अलग से, एंड अलार्म यहाँ पर टोटल यहाँ पर चेंजेस किए गए। दोस्तों, अगर आपको कुछ नेचुरल साउंड इफेक्ट चाहिए, जैसे कि आपको MIUI 10 में नेचुरल साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल चुके थे, उसी तरह से MIUI 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ नेचुरल साउंड इफेक्ट्स ऐड किए गए, जो कि सुनने में काफी अमेजिंग आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में चेंजेस किया गया है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट चेंज ऑफ फीचर्स, जो कि ऐड हो चुका है नोटिफिकेशंस में। तो नोटिफिकेशंस में क्लिक करने पर आपको और भी कुछ कस्टमाइजेबल फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपके फोन के अंदर जितने सारे एप्लीकेशन, उस सारे सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन अगर आपको लॉक स्क्रीन में चाहिए, मतलब कि लॉक स्क्रीन में रिसीव करना है, तो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर उसके नोटिफिकेशन चाहिए, तो उसके भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों, थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं नोटिफिकेशन बैजेस, मतलब कि एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशन है, उसकी सिर्फ और सिर्फ आइकॉन चाहिए, तो उसका आइकॉन से भी रिसीव कर सकते हैं।
एंड अपने फोन के अंदर जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन में और भी एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो चुका है जो कि यार दे सकते हैं नोटिफिकेशन शेयर। तो दोस्तों नोटिफिकेशन शेयर मतलब कि नोटिफिकेशन का स्टाइल आपको किस प्रकार से चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड मतलब या फिर टिपिकल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा चाहिए या फिर आपको कस्टमाइजेबल एमआईयू जैसा चाहिए, तो कस्टमाइजेबल एमआईयू जैसा आपको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर यहाँ पर एमआईयू सेट कर लीजिए क्योंकि और काफी आपको बेटर कस्टमाइजेबल आपको नोटिफिकेशन स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की और जो क्या है होम स्क्रीन। तो दोस्तों काफी सारे लोगों को लगा था कि होम स्क्रीन के अंदर को ऐप ड्रॉअर का फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों फर्स्ट अपडेट के बाद किसी भी डिवाइस के अंदर को ऐप ड्रॉअर का फीचर देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर आपके फोन के अंदर को ऐप ड्रॉअर इनेबल करना है तो उसके ऊपर ट्रिक यूज करके ऐप ड्रॉअर इनेबल कर सकते हैं, उसके लिए ऊपर यहाँ पर आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक फीचर ऐड हो चुका है जो क्या है ब्लर ऐप रिव्यू। तो ब्लर ऐप रिव्यू पर क्लिक करके बाद दोस्तों जितने सारे एप्लीकेशन है मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो उन सब पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए पर दे सकते हैं अगर अपने यहाँ पर इनेबल किया है तो बैकग्राउंड में या फिर उसको यहाँ पर रिसेंट टैब में उसको ब्लर रख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे गलती से किसी भी पेज पर यहाँ पर पासवर्ड आईडी यहाँ पर भूल कर रह जाए तो यहाँ पर बैकग्राउंड में उसके यहाँ पर रिसेंट टैब में इस तरह से उसको ब्लर रख सकते हैं। तो ये भी कुछ एक प्रकार से यहाँ पर हिडन फीचर है, अगर आप उसका इस्तेमाल है तो उसके यहाँ पर यूज कर सकते हैं और अगर कोई फायदे की बात नहीं तो उसके ऊपर इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन जो क्या है पासवर्ड सिक्योरिटी। तो दोस्तों काफी सारे लोगों ने मुझे एक ही कमेंट किया था कि इस Redmi 4 डिवाइस के अंदर MIUI 11 का अपडेट मिलने के बाद फेस अनलॉक का फीचर्स देखने को मिला या फिर नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि Android Oreo बेसिक आपको यहाँ पर फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन Redmi 4 डिवाइस के अंदर आपको कभी भी Android Oreo का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि दोस्तों Redmi 4 डिवाइस के अंदर फेस अनलॉक का जो फीचर है काफी कम चांसेस है। लेकिन दोस्तों और एक फीचर ऐड हो चुका है जैसे कि कह सकते हैं पर एमरजेंसी SOS। तो दोस्तों एमरजेंसी SOS का फीचर से Xiaomi के सभी टाइप्स के डिवाइस के अंदर देखने को मिल चुका है, बस Redmi 4 डिवाइस बाकी था। तो Redmi 4 डिवाइस के अंदर भी आपको एमरजेंसी SOS का जो फीचर है फाइनली इनेबल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शंस की और जो कि है बैटरी एंड परफॉर्मेंस। तो काफी सारे लोगों को लगा था कि बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों MIUI 11 के अपडेट के बाद किसी भी डिवाइस के अंदर आपको फर्स्ट अपडेट के बाद अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको और भी कुछ नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के अंदर आपको कम ही देखने को मिलता है, मतलब कि फर्स्ट अपडेट के बाद बैटरी ड्रेनिंग का इशू भी आपको देखने को मिल सकता है। बस बैटरी एंड परफॉर्मेंस आपको बस UI के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लॉक जो कि आपको ऐड हो चुका है ऐप्स के अंदर। तो दोस्तों ऐप्स के अंदर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन के सारे सारे सेटिंग्स थे, मतलब कि एप्लीकेशन के सारे सारे फंक्शंस थे जो कि यार बाहर थे, आपको सब कुछ ऐप्स के अंदर एक ही अंदर सेट किया है, जैसे कि ऐप लॉक है, परमिशन है, ड्यूअल एप्लीकेशन है, मैनेज एप्लीकेशन है, सिस्टम ऐप सेटिंग्स है जो कि बाहर थे, आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर फिट किया गया है। एंड साथ ही दोस्तों बात करेंगे ऐप लॉक के अंदर, तो ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन लॉक एंड साथ ही दोस्तों हिडन एप्लीकेशन के आपको दो दो पर कॉलम्स सेपरेट किया गया, जैसे कि देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉक का जो फीचर्स है उसकी सेटिंग अलग से की गई है एंड जो हिडन एप्लीकेशन है एंड हिडन एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स है उसके ऊपर अलग से फिट किया गया है। तो दोस्तों ऐप्स टैब के अंदर आपको ज्यादा कुछ इसमें फीचर तो देखने को नहीं मिला है, बस आपको जो यूजर इंटरफेस है इसमें आपको चेंजेस किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स जो क्या हो चुका है स्पेशल फीचर्स। तो स्पेशल फीचर्स पर क्लिक करने के बाद आपको और भी तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं गेम टर्बो का फीचर। तो दोस्तों गेम टर्बो में कुछ अच्छे खासे पर इम्प्रोमाइजेशन मतलब की ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, तो आसानी से इसमें लाइट वर्जन में गेमिंग खेल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं जो क्या है क्विक रिप्लाईज। तो दोस्तों क्विक रिप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्विक रिप्लाई इनेबल करने के बाद अपने फोन के अंदर जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कि मैसेंजर है, चैटिंग एप्लीकेशन है, सारे सारे एप्लीकेशन के ऊपर इनेबल करने के बाद जो उसका जो नोटिफिकेशन है मतलब कि किसी भी प्रकार से मैसेज रिसीव हो जाता है नोटिफिकेशन पैनल्स में, तो बहुत ही आसानी से उसके ऊपर क्विक रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि रिप्लाई देने के साथ साथ लाइक कर सकते हैं, उसके ऊपर डिलीट कर सकते हैं, अभी उसको रीड भी कर सकते हैं। तो बार बार आपको उस चैटिंग एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे सारे सारे चेंज लॉक फीचर्स जो कि आपको मिल चुका है सेटिंग्स के अंदर। एंड साथ ही दोस्तों सेटिंग जो यूजर इंटरफेस है काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल चुके हैं एंड आइकॉन्स भी देख सकते आपको मल्टीपल कलर्स में आइकॉन्स देखने को मिल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स मतलब जो बाहर आपको देखने को मिल चुका है होम स्क्रीन एंड कुछ एप्लीकेशन में देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें पर टूल्स की, तो टूल्स में देख सकते हैं कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद कैलकुलेटर में इस बार आपको जो यूजर इंटरफेस में काफी बड़े चेंजेस देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों लाइफ में देख सकते हैं कुछ यहाँ पर फंक्शंस ऐड किए गए, साथ ही दोस्तों जो फाइनेंस है फाइनेंस में भी कुछ पर जो यूटिलिटी उसके भी ऐड किया गया है। एंड साथ ही दोस्तों ऊपर की तरफ से देख सकते हैं मतलब की कॉर्नर में देख सकते हैं आपको फ्लोटिंग विंडोज मतलब की पीएपी मोड का जो फीचर है फाइनली इस कैलकुलेटर में आपको इनेबल किया गया है। दोस्तों इस फीचर को कुछ लोगों ने पहले से एक्सेस किया होगा कुछ टेस्टिंग के रूप में, लेकिन इस MIUI 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ऑफिशियली जो फ्लोटिंग
ऑपरेटिंग विंडोज मतलब कि पीएपी मोड का फीचर से मी कैलकुलेटर में फाइनली इनेबल हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे और भी कुछ नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि ऐड हो चुके हैं यहाँ पर गैलरी के अंदर। तो दोस्तों गैलरी के अंदर देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक फीचर ऐड हो चुका है जो कि हम देख सकते हैं मंथ व्यू मतलब कि टू फिंगर से उसके ऊपर जूमिंग जूम आउट कर सकते हैं। एंड इस डिवाइस से आपको पहले से क्लिप्स का एंड क्रिएटिविटी का फीचर देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों और भी कुछ फीचर इसमें मिसिंग है जैसे कि देख सकते हैं एडिट पे जाने के बाद स्काई कलर रिप्लेसमेंट। तो बस रेडमी नोट 7 प्रो डिवाइस को आपको स्काई कलर रिप्लेसमेंट का फीचर देखने को मिल चुका है, लेकिन बाकी किसी भी पुराने डिवाइस के अंदर आपको मी शेयर उसके बाद प्रिंटिंग के फीचर देखने को नहीं मिला गैलरी के अंदर। तो उसके ऊपर मिलने के लिए और भी कुछ नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लो फीचर जो कि यार काफी अमेजिंग फीचर ऐड हो चुका है, चार्जिंग एनिमेशन। तो दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन है रेडमी 4, उसके बाद बहुत सारे आपको पुराने डिवाइस है जैसे कि रेडमी 5, रेडमी 5A, रेडमी नोट 4, बहुत सारे पुराने डिवाइस के अंदर आपको चार्जिंग एनिमेशन का जो फीचर्स है फाइनली इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों आप अपने फोन के ऊपर चार्जिंग के लिए लगाएंगे तो चार्जिंग को लगाने के बाद आपको इस प्रकार से चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करेंगे कुछ नेक्स्ट चेंज लो फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट फीचर देखने को मिल चुका है जो कि नोट्स के अंदर आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों नोट्स के अंदर आपको कुछ ज्यादा मेजर फीचर देखने को नहीं मिले, लेकिन आप देख सकते हैं टास्क का नया फीचर इसमें ऐड हो चुका है। तो इसके पहले नोट्स के अंदर आपको टास्क का जो फीचर था मतलब कि कुछ रिमाइंडर सेट करने का फीचर देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस प्रकार से आप देख सकते हैं रिमाइंडर सेट कर सकते हैं मतलब कि टास्क अपने फोन के अंदर सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको छोटे मोटे फीचर्स ऐड हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लो फीचर्स जो कि ऐड हो चुका है फाइल मैनेजर के अंदर। तो दोस्तों फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते आपको डार्क थीम मतलब कि डार्क मोड का फीचर फाइल मैनेजर के लिए पर सेट हो चुका है। और दोस्तों कुछ लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग के रूप में फाइल मैनेजर में डार्क मोड इनेबल किया होगा, लेकिन MIUI 11 का अपडेट स्टेबल अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सभी डिवाइस के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर आपको डार्क मोड का जो फीचर है फाइनली इनेबल हो चुका है। एंड साथ ही दोस्तों फाइल्स मैनेजर के अंदर और भी फीचर ऐड हो चुका है जैसे कि देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं जो भी PDF फाइल एक्सेल फाइल्स है उसके ऊपर कंप्यूटराइज व्यूइंग एक्सपीरियंस ऐड किया गया है। तो सिंपली दोस्तों आप देख सकते हैं आपको बार बार लैपटॉप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन के अंदर सारे सारे एप्लीकेशन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटराइज व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, उसके ऊपर रीड भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फाइल मैनेजर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर इस प्रकार से चेंजेस किया गया है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैमरों को लेकर, काफी सारे लोगों के मन में सवाल था कि सर रेडमी 4 डिवाइस के अंदर जो कि कैमरा उस कैमरे में आपको काफी सारे चेंज लो फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों कैमरे में देख सकते हैं किसी भी प्रकार से लेटेस्ट फीचर देखने को नहीं मिला है, ना ही आपको रियर कैमरे में पोर्ट्रेट मोड मिला है और ना ही आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरे में पोर्ट्रेट मोड मिल चुका है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको फीचर देखने को नहीं मिला एंड कैमरा जो क्वालिटी है सेम टू सेम क्वालिटी है, किसी भी प्रकार से ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि इंप्रोमाइजेशन कैमरा में देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों बस आपको ये चेंज लो फीचर्स देखने को मिल चुका है Xiaomi के Redmi 4 डिवाइस के अंदर MIUI 11.0.2.0 के स्टेबल अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।